क्या महात्मा गांधी को कभी भारत रत्न मिला है? कौन है वो पहली महिला जिसे भारत रत्न मिला? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने भारत रत्न लेने से रिफ्यूज कर दिया, यानी मना कर दिया? तो दोस्तों, आ गई हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। तो बिना समय को बर्बाद किए हम अपनी नई वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। सो फ्रेंड्स, हम आज बात कर रहे हैं सिविलियन अवार्ड्स की। ये सिविलियन अवार्ड्स चार हैं, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। सबसे बड़ा और सबसे जो अपन कहते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, वो है भारत रत्न। अब हम भारत रत्न के बारे में पढ़ते हैं। भारत रत्न इंट्रोड्यूस हुआ था 2 जनवरी 1954 को। यह अवार्ड इंडियंस को उनकी एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड को देने के लिए कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता है, चाहे किसी का कोई भी ऑक्यूपेशन हो, पोजिशन हो, सेक्स हो, यह उनके परफॉर्मेंस के बेस पे ही दिया जाता है। ओरिजिनली ये अवार्ड लिमिटेड अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता था, जैसे कि आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर एंड पब्लिक सर्विसेज के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको फिर एक्सपेंड किया, इसके क्राइटेरिया को, और इसके अंदर एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर को इंक्लूड किया दिसंबर 2011 में। भारत रत्न के लिए रिकमेंडेशन पीएम देता है प्रेसिडेंट को, और इसके लिए वो एक साल में 3 नॉमिनीज से ज़्यादा नहीं देते हैं। द विनर ऑफ भारत रत्न गेट सर्टिफिकेट साइन बाय द प्रेसिडेंट एंड अ पीपल लीफ शेप्ड मेडलियन। इस मेडलियन पे इमेज होती है सन की और इसके साथ भारत रत्न लिखा हुआ होता है देवनागरी लिपि पे। यह भारत रत्न पीपल की पत्ती की आकृति का है। अब तक 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। अब हम बात करते हैं भारत रत्न अवार्ड से मिलने वाले फ़ायदों की, पर्क्स की, बेनिफिट्स की। तो पहला फ़ायदा है कि उनकी इक्वल पोजीशन होती है, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर की होती है। सेकंड पॉइंट, उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिलती है जब उन्हें ज़रूरत होती है, इस तरीके से जिससे मोदी जी को मिली हुई है। थर्ड पॉइंट है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज VVIP एंड उनको लाइफ टाइम टैक्स भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट, उनको लाइफ टाइम फ्री ट्रैवल एयर इंडिया और रेलवे में मिलता है, वो भी फर्स्ट क्लास के में। इनका फिफ्थ पॉइंट है कि उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए स्पेशल गेस्ट फ्रॉम स्टेट। सो सेवन पॉइंट है, जो भारत रत्न रेसिपिएंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में, और वहाँ पे वो क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकते हैं। साथ ही साथ वो पार्टिसिपेट ले सकते हैं कैबिनेट मीटिंग्स में। एट्थ एंड लास्ट पॉइंट इज़ कि जब भी वो दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं और उन्हें हेल्प की ज़रूरत हो तो वो इंडियन एम्बेसी से हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ द ओनली 5 वुमन हु हैव बीन अवार्डेड द भारत रत्न। इसमें पहली हैं इंदिरा गांधी, जो कि फर्स्ट और केवल फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया की, जिन्हें भारत रत्न मिला है 1972 में। 1972 में इन्हें भारत रत्न मिलने से पहले इनका अचीवमेंट ये था कि इन्होंने बांग्लादेश को सेपरेट नेशन कराया था 1971 में। नेक्स्ट वी हैव मदर टेरेसा। मदर टेरेसा इज़ बेस्ट नोन फॉर हर सेल्फलेस पर्सनैलिटी एंड टेकिंग केयर ऑफ इल पर्सन्स। शी वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1980। बेसिकली शी इज़ फ्रॉम नॉर्थ मैसिडोनिया। फिर वह इंडिया में आई और इंडिया में आके उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी को शुरू किया ईयर 1950 में, जिसकी अब बहुत सारी ब्रांचेज हो गई हैं अराउंड द वर्ल्ड। ये जो हैं ये देखभाल करती हैं लेस प्रिविलेज लोगों का। मदर टेरेसा की तरह और भी कुछ लोग हैं जो कि इंडियंस नहीं हैं लेकिन उनके परफॉर्मेंस के लिए उन्हें भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट इज़ अरुणा असफ अली, जो कि इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थी और उन्हें जाना जाता था होस्टिंग द इंडियन फ्लैग एट ग्वालिया टैंक मैदान इन मुंबई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। उन्हें भारत रत्न मिला था उनकी मृत्यु के बाद 1997 में। वह फर्स्ट मेयर भी थी दिल्ली की 1958 में।
नेक्स्ट है एमएस सुब्बलक्ष्मी, जो कि एक रिमार्केबल फिगर, जानी पहचानी हस्ती हैं विश्व में कार्नेटिक म्यूजिक की, जिन्हें भारत रत्न मिला था 1998 में। यह पहली म्यूजिशियन है जिन्हें अवार्ड दिया गया था। एम एस सुब्बलक्ष्मी ने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को कई फॉरेन फेस्टिवल्स में, जिसमें 1963 में उन्होंने एडिनबर्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल में पार्ट लिया और उन्होंने साथ ही परफॉर्म किया न्यूयॉर्क में, लंदन में। उन्होंने कई प्लेसेस पे ट्रैवल किया, जैसे कि रशिया, कनाडा और फार ईस्ट कंट्रीज़ में, जहाँ पे साथ ही साथ उन्होंने अपने कार्नेटिक म्यूज़िक को भी एक्सपेंड किया। सो नेक्स्ट इज़ लता मंगेशकर, जिन्होंने हज़ारों से ऊपर गाने गाए हैं, वह भी 30 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में। इन्हें भारत रत्न मिला था 2001 में। इन्हें जाना जाता है इनकी प्लेबैक सिंगिंग के लिए इंडियन सिनेमा में। लता जी को उनका पहला ब्रेक 1949 में मूवी महल से मिला, जहां पे उन्होंने मधुबाला के लिए गाना गाया था। उन्होंने उसके बाद बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया और प्लेबैक सिंगिंग की बहुत सारी मूवीज़ के लिए। सो फ्रेंड्स, अब बारी है उन क्वेश्चंस की जिनके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। क्यों महात्मा गांधी को भारत रत्न नहीं दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया महात्मा गांधी को भारत रत्न देने से। उनका कहना था कि महात्मा गांधी उससे कुछ ज़्यादा ही ऊपर हैं। वह उनका कहना था कि महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन है, यह भारत रत्न से कहीं ज़्यादा ऊपर की पोस्ट पे हैं, इसीलिए उन्हें कभी भारत रत्न नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट फीमेल टू गेट भारत रत्न? इंदिरा गांधी पहली और एकमात्र फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था 1972 में। उस समय वह प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम रिकमेंड करता है नॉमिनीज को प्रेसिडेंट को, सो ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने खुद को रिकमेंड किया था भारत रत्न के लिए। इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में हुआ और इनकी मृत्यु 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिफ्यूज्ड भारत रत्न? असमी सिंगर भूपेन हजारिका की फैमिली ने रिफ्यूज़ किया था भारत रत्न एक्सेप्ट करने से, जो कि एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उन्होंने इसे रिजेक्ट इसलिए किया था क्योंकि आसामी सिंगर जो भूपेन हजारिका है, वह आसाम के लोगों के बारे में बहुत सोचा करते थे और उस समय सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे और उस समय आसाम की जनता ये देखना चाहती थी कि क्या उनकी फैमिली इस अवार्ड को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि वह भी दावा करते थे कि वह आसाम के लोगों के साथ हैं। सो दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट भारत रत्न। सो अब क्वेश्चंस का सिलसिला ख़त्म होता है और अब हम देखते हैं कौन से वो 48 विनर्स हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। यह लिस्ट है 48 लोगों की जिन्हें भारत रत्न मिला है। इनमें से मैं कुछ चुनिंदा लोगों के नाम लूँगी। सी राजा गोपालचारी, सी वी रमन, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और भी कई लोग हैं, जैसे कि जाकिर हुसैन, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, विनोबा भावे, खान अब्दुल गफर खान, राजीव गांधी, बी आर अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला भी इंडियन नहीं है फिर भी उन्हें मिला है। मोरारजी देसाई, अब्दुल कलाम आज़ाद, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका। फ्रेंड्स, मैंने कुछ चुनिंदा नाम ही कहे हैं, तो आपको अगर पूरी लिस्ट देखनी है तो आप पॉज करके देख लीजिए और यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। और आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके बताएं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम पेज GK with Tricks एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू।